नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वीडियो साइंस के क्वेश्चंस का रिवीजन है जो अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें से आपका सबसे मुख्य है लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल सी का। इसके बाद में आपका दिसंबर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जितना पढ़ते हैं उस ज़्यादा पढ़ने की जगह हम जितना पढ़ा है उसको दोहराएं। सफलता की यही कुंजी है कि हम जितना ज़्यादा दोहराएंगे हम अपने सफलता के उतने ही पास होंगे। ये जो वीडियो है ये जो साइंस के क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है और ये घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का जो है ये कलेक्शंस है ये क्वेश्चन। आके और भी बुक्स का ही जो है हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो हमें जो है ये जो इस वीडियो में आगे जो है आप देखोगे आप कि हाँ हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। चलें, ये पहला आपका क्वेश्चन जो है ब्रह्मांड से, पहली चीज़ तो पहला ये जो स्टार्टिंग है ये ब्रह्मांड से है। इसमें समान अवधारणा यहाँ से शुरू है कि जो भी समान थ्योरी है जो आपके आपने इसमें से बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखें कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई थी, तो एक इसको जो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। वो इसी चीज़ से संबंधित है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, वो आप बताओ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट है आपका महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉर्ज लेमेन्टेयर ने किया था महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन, जॉर्ज लेमेन्टेयर ने। नेक्स्ट है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मंदाकिनी। दूसरा नाम उसका आकाशगंगा भी है या फिर इसको दुग्ध मेघला भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, वह गैलेक्सी जहाँ पे हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, सौरमंडल आपको पता होगा कि जहाँ पे आपका ये सूर्य है, बुध है, पृथ्वी, जो हमारे नौ ग्रह हैं वो मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं, वहीं उसको ही वो जहाँ पे स्थित है वो एक किसी गैलेक्सी में है। और ऐसी हमारी जैसी बहुत जो हमारी मिल्की वे है उस जैसी बहुत ही बहुत ज़्यादा गैलेक्सी है, लेकिन जो हमारे जहाँ पे हमारा सौरमंडल स्थित है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं या फिर उसको आकाशगंगा या दुग्ध मेघला कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिल्की वे, इसका वर्गीकृत की गई है ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। मतलब सिंपल अगर हम साधारण तरीके से बताएं जो आकाशगंगा का अगर आकृति क्या है, उसकी वर्गीकृत क्या है, वर्गीकृत क्या है, तो वो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आपका अगला है ब्रह्मांड वर्ष, जिसको कॉस्मिक एयर इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या कहलाता है, सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। आपको पता है कि सूर्य जो है वो केंद्र बिंदु है और जब वो गैलेक्टिक केंद्र की पूरी परिक्रमा कर लेता है वो आपको उसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मिक ईयर। नेक्स्ट आता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि हमारी आकाशगंगा क्या है, वो हमारी गैलेक्सी है, जहाँ जो हमारे सौरमंडल की गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा जो सूर्य करता है उसको कितना लगता है, 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। देखिए ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और ये इसलिए हम फटाफट करा रहे हैं, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो मुश्किल से 10 मिनट के होंगे और 10 या 12 मिनट के होंगे। तो उससे क्या होगा कि आप कहीं भी आप ये रिवीजन कर सकते हो। आप जो है वो जब आप घर पे रहें अपने बुक से पढ़ें, लेकिन जो कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं आप मीटिंग में हो, कहीं आपको कहीं वेट करना हो, तो आप ये वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हो। ये वीडियो इसी जो है उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि जो लोग वर्किंग है वो इन वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं ताकि उनको अपने साथ में बुक्स ले जाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है आपका तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है, जब तारे का विकास होता है उसमें सर्वप्रथम क्या होता है, वो ध्यान रखना सबसे पहले क्या बनता है, प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। आगे आते हैं तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक जो है वो उसके ताप पर निर्भर करता है, जितना ताप अधिक होगा उतना तारे का जो रंग होगा, जो चमक होगी तेज होगी, मतलब जितना तारा आपको चमकता दिखता है उसका ताप उतना ही अधिक होगा, जो तारा कम चमकता दिखेगा उसका ताप जो है उतना ही कम होगा। आगे आते हैं वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं।
वो एक ऐसी सीमा जहाँ जिसके बाहर जब तारे जाते हैं तो उनकी अपनी ऊर्जा खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। आगे है नेक्स्ट आपका, तारों के कारण अघटित आकाशीय प्रगटना, उसको कहते हैं कृष्ण विवर। कृष्ण विवर को इंग्लिश में ब्लैक होल भी कहते हैं। और ठीक है, तो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना है उसको क्या बोला जाता है, कृष्ण विवर कहा जाता है। और इसी कृष्ण विवर को अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कृष्ण क्षेत्र को ब्लैक होल बोला जाता है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, उसको प्रतिपादित करने वाले भी थे हमारे वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में समझ में आए होंगे। अगला वीडियो जो है हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और ये सारे रिवीजन के वीडियो हैं, ओके, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों का दोहराव जो है कराया जा सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन, जय हो।